आज हम बनाएंगे आलू बीन्स की बहुत ही ज़्यादा चटपटा सूखा मसालेदार सब्ज़ी, जो कि आप टिफ़िन में इसे दे सकते हैं, आप इसे सुबह के नाश्ते में पराठे के साथ खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही चटपटा और टेस्टी आलू बीन्स की सब्ज़ी बनके तैयार होते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इंडियन वेज रेसिपी विद चंदा में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे गैस पे कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई को गर्म होने देंगे। अब इसमें एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे और तेल को भी अच्छे से गर्म होने देंगे। अब इसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे और एक हरी मिर्च बारीक कटा हुआ और थोड़ा सा अदरक, जिसे मैंने हल्का सा क्रश कर लिया है। अब सारे चीज़ों को 1 से 2 मिनट तक हम लाल होने देंगे। अब यहाँ पे मैंने बीन्स लिया है, जिसे थोड़ा सा लंबे लंबे पीस में कट कर लिया है और इसे अच्छे से धो लिया है। तो अब इसको इसमें डाल देंगे और इसी के साथ यहाँ पे 2 आलू को मैंने लंबे लंबे पीस में कट कर लिए हैं और इसको भी डाल देंगे। तो आलू का मात्रा आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर इसे छोटे बड़े पीस में आप इसे काट सकते हैं। तो अब हम इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट तक हम इसे बिना ढके हुए इसी फ्राई कर लेंगे। तो देखिए 2 मिनट हो गया है, हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसे ढक करके 2 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि बीन्स आलू जो है अच्छे से पक जाए। तो इसे हम चला लेंगे। अब इसमें हम कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। और सारे मसालों को चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक धीमी आंच पर हम इसे भून लेंगे। इसे हमेशा चलाते रहेंगे, नहीं तो ये मसाले जो है वो जल जाएंगे। तो अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे और नमक को भी अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे, ताकि आलू बीन्स जो है वो दोनों अच्छी तरह से पक जाए। 2-3 मिनट बाद हम इसे चेक कर लेंगे। तो इसे हम फिर से चला लेंगे। अब हम इसमें आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। आप इसके बिना भी बना सकते हैं, पर हम इसलिए डाल लें कि इसका देखने में कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और इसका टेस्ट भी थोड़ा स्पाइसी हो जाता है। अब हम इसमें लास्ट में आधा चम्मच गरम मसाला या फिर किचन किंग मसाला इसमें डालेंगे और इसे भी 1 मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे। एक 2 मिनट बाद देखिए सब्जी का कलर भी बहुत ही चेंज हो गया है और आलू बीन्स जो है अच्छे से पक गए हैं। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे सर्व करने के लिए। तो ये बहुत ही जल्दी आलू बीन्स की सब्जी बन के तैयार हो जाता है। तो आप इस सब्जी की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो आप इसे टिफ़िन में बना सकते हैं या सुबह के नाश्ते में बना सकते हैं। ये बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाता है, इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और बहुत ही टेस्टी चटपटा और स्पाइसी ये आलू बीन्स की सब्ज़ी जो है वो बन के तैयार हो जाता है। तो इसे देखने से ही इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं आप लोग कि कितना देखने में ही टेस्टी और चटपटा ये आलू बीन्स की सब्ज़ी जो है वो बन के तैयार हो गया है। तो अगर आज की हमारी रेसिपी आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए, ताकि नई वीडियो की जानकारी आप तक मिलती रहे। तो अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।